हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आपको और आपके पूरे परिवार को माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल कुछ नए उम्मीद और किरण के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग SCCL का एक नया प्लेलिस्ट आज से चालू करने वाले हैं, जिसमें आपको डेली 20-20 MCQ SCCL का माइनिंग सरदार का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको डेली माइनिंग मिस्ट्री चैनल पर मिलने वाला है। तो आप इस चैनल पर बने रहें। यदि पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में आज हम लोग 20 MCQ देखने वाले हैं, जो का पूरा आपका CMR से रिलेटेड होने वाला है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं CMR से रिलेटेड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन माइनिंग सरदार SCCL से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डैश ऑफ एवरी माइन शॉल एसेस द रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी टू व्हिच एम्प्लॉय मे बी एक्सपोज्ड व्हाइल दे आर एट वर्क। जब भी माइंस का कोई एम्प्लॉय कोई ऐसा खतरा से वो एक्सपोज्ड होने वाला रहता है जिससे उसको हेल्थ या फिर सेफ्टी से कोई नुकसान हो, तो ऐसे खतरे के बारे में उस माइंस में उस रिस्क को एक्सेस कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी है ओनर, ऑप्शन नंबर डी है ओनर एजेंट एंड मैनेजर। तो ये आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शॉल एक्सेस द रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी टू व्हिच एम्प्लॉय मे बी एक्सपोज्ड व्हाइल दे आर एट वर्क। ठीक है, ये है पूरा सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ड्यूटीज ऑफ LRI। LRI का मतलब होता है लैंप रूम इंचार्ज। लैंप रूम इंचार्ज का ड्यूटी किस रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया गया है। ये CMR से आपका रेगुलेशन के टाइटल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 52, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 51, ऑप्शन नंबर डी 59। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52। रेगुलेशन 52 से रिलेटेड है ड्यूटीज ऑफ लैंप रूम इंचार्ज। रेगुलेशन नंबर 51 क्या है, 51 का टाइटल क्या है, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग सही आंसर कीजिए, मैं वेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डैश शॉल सी नो सपोर्ट इज विथड्रॉन एक्सेप्ट बाय मींस ऑफ सेफ्टी प्रॉप विथड्रॉवर। कौन पर्सन, किसका ये जिम्मेवारी है कि वो ये देखेगा कि माइंस का कोई भी सपोर्ट बिना सेफ्टी प्रॉप, जो हम लोग विड्रॉ सेफ्टी प्रॉप को एज अ विड्रॉअर यूज करते हैं, तो उसके बिना कोई भी सपोर्ट को खोला नहीं जाएगा। ये कौन इंश्योर करेगा, ये कौन देखेगा, किसकी जिम्मेवारी होती है। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सरदार, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी वेंटिलेशन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनिंग सरदार। ठीक है, इसको आप माइनिंग सरदार के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से देख सकते हैं, रेगुलेशन नंबर 48 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एग्जामिनर्स फॉर एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय BME यानी कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन शॉल बी अपॉइंटेड बाय। BME के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसका जो एग्जामिनर्स होते हैं, मतलब उसके जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो देख रेख करते हैं कि कोई चीटिंग ना करे, कोई बदमाशी ना करे, वो किसके द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी CIM यानी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी बोर्ड के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सिंपल कि BME का एग्जाम है तो सारा काम कौन करेगा, बोर्ड ही करेगा, तो बोर्ड के द्वारा ही एग्जामिनर्स जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चैप्टर नंबर डैश इज न्यूली एडेड चैप्टर इन CMR 2017। CMR 2017 में टोटल 17 चैप्टर है। इस 17 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर है जो पूरा का पूरा एक नया ऐड किया गया, उसका टाइटल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें हम लोग मीथेन एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा वो चैप्टर नंबर है। ऑप्शन नंबर ए चैप्टर 15, ऑप्शन नंबर बी चैप्टर 16, ऑप्शन नंबर सी चैप्टर 17, ऑप्शन नंबर डी चैप्टर 18। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैप्टर नंबर 16। ठीक है, 16वां चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा नया ऐड किया गया है और उस 16वें चैप्टर में टोटल कितना रेगुलेशन को ऐड किया गया है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट नंबर ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट टू सर्वेयर। अब जो सर्वेयर है वो अच्छे तरीके से अपना सर्वे का काम कर सके, इससे रिलेटेड उनको सारा इंस्ट्रूमेंट, सर्वे इंस्ट्रूमेंट एडिक्वेट नंबर में जितना पर्याप्त मात्रा है उतने पर्याप्त मात्रा में कौन प्रोवाइड कराएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर और एजेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट। ठीक है, इसमें मैनेजर को क्या किया गया है, जिम्मेवारी से मुक्त किया गया है, इसमें मैनेजर का कोई हाथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एवरी प्लान एंड सेक्शन शॉल बी प्रिपेयर्ड बाय और अंडर सुपरविजन ऑफ। सारा प्लान और सेक्शन, जो स्टैच्यूटरी प्लान हम लोग पढ़ते हैं टोटल 7 और इसके अलावा भी बहुत सारा प्लान होता है, वो सारा प्लान और सेक्शन किसके द्वारा या फिर उनके सुपरविजन में बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इंचार्ज, माइन के जो भी इंचार्ज हैं या फिर शिफ्ट इंचार्ज बोलिए। ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सर्वेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बच्चा भी बता देगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वेयर। ठीक है, या तो सर्वेयर खुद बनाएगा, नहीं तो सर्वेयर अपना पर्सनल सुपरविजन, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, अंडर पर्सनल सुपरविजन में बनाएगा, ठीक है, बनवाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑन एवरी हॉलेज रोडवे एक्सीडिंग डैश मीटर इन लेंथ इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल शॉल बी प्रोवाइडेड। हॉलेज रोडवे में हॉलेज रोडवे का लेंथ कितना से ज़्यादा हो जाएगा तब वहाँ पे इफेक्टिव मीन्स यानी एक पर्याप्त मात्रा में इफेक्टिव संचालन तरीके से सिग्नल ट्रांसमिटिंग का कोई सुविधा आइधर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 300 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 3000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर। और जब 300 मीटर हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को वहां पे स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टॉप ब्लॉक इन हॉलेज इज यूज्ड व्हेन हॉलेज इज इफेक्टेड बाय एटलीस्ट डैश रोप। हॉलेज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होता है स्टॉप ब्लॉक। तो स्टॉप ब्लॉक को हम लोग कब यूज करेंगे, जब कम से कम उस हॉलेज में कितना रस्सा का प्रयोग होता हो। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी जितना CIM बोले वो पर्याप्त, मतलब एटलीस्ट वो होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और मोर लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप रेगुलेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर का पहला ही रेगुलेशन का सेकंड या थर्ड लाइन में ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 131 इज फ्रेम्ड बाय। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब आप रिवाइज कीजिए कि रेगुलेशन 131 का टाइटल क्या है। तो आप पाइएगा कि रेगुलेशन 131 का टाइटल है वर्किंग एट हाइट। हाइट पे वर्किंग करने के लिए जो भी प्रिकॉशन या फिर जो भी प्रोविजन है उसको मेंटेन करना, उसके रिलेटेड में कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस कौन बनाएगा, कौन फ्रेम करेगा। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी RIM यानी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी CIM यानी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। ठीक है, मैनेजर कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस जो है वो फॉर्म करते हैं। अब देखिए आप लोग का एग्जाम बहुत जल्द SCCL का होने वाला है, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने CMR के रिविजन के लिए या फिर अपने प्रैक्टिस के लिए माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड कराया गया CMR 2017 का MCQ सेट, जो कि एक बेहद लेटेस्ट PDF मैंने डिजाइन किया है, जिसमें आपको टोटल 1500 प्लस MCQ का एक सेट मिलेगा। इस पूरे PDF में रेगुलेशन 1 से लेकर रेगुलेशन 260 तक के बीच में कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में सारा क्वेश्चन है, हैंड रिटन नहीं है। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है और सबका आंसर आपको चैप्टर वाइज जो है मिलते जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको CMR 2017 का MCQ सेट लेना है या फिर कोई और तरीके का स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए माइनिंग सरदार या फिर ओवरमैन की तैयारी के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट करके PDF को परचेस कर सकते हैं और अपने तैयारी को और बूस्ट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 55 वाइंडिंग इंजन मैन शॉल नॉट ड्राइव द इंजन एट अ स्पीड फिक्स्ड बाय डैश वाइल पर्सन आर बीइंग लोअर्ड और रेज्ड। साफ्ट से यानी कि जो साफ्ट होता है जिससे पर्सन का आना जाना होता है, वहाँ पे अगर पर्सन को उस साफ्ट के थ्रू, केज के थ्रू नीचे लाया या फिर ऊपर उठाया जा रहा है, तो इंजन मैन किसके द्वारा स्पेसिफाइड स्पीड से ज़्यादा स्पीड से उस केज को नहीं उतारेगा या फिर ऊपर उठाएगा, हाबिस या फिर लोल करेगा। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। ठीक है, मैनेजर जितना बोलेंगे उससे ज़्यादा स्पीड से क्या करना है, उसको नहीं उतारना है या फिर नहीं उठाना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एवरी ऑफिशियल्स शॉल कैरी आउट ड्यूटीज असाइन टू हिम बाय। माइंस के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो किनके द्वारा दिए हुए ड्यूटी का पालन करेंगे, मतलब उनको ड्यूटी कौन असाइन करेगा। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी आइदर यानी कि दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइदर। किनका काम होता है, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का काम होता है कि वो सारे ऑफिशियल्स को ड्यूटी असाइन करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है CMR का। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर इज रिलेटेड टू रेगुलेशन। मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रेगुलेशन में मेंटेन्ड या फिर स्पेसिफाई किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 41, ऑप्शन नंबर बी 43, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 27। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 43। रेगुलेशन 43 में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। ये 17 जो है वो सेक्शन 17 से मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है, और रेगुलेशन नंबर 27 में क्या है, मैनेजर से रिलेटेड। आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 40 इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग और रजिस्ट्री सिस्टम अप्रूव्ड बाय डैश में बी प्रोवाइडेड। रेगुलेशन 40 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग और रजिस्ट्री सिस्टम जो माइंस में प्रोवाइड कराया जाता है वो किसके अप्रूवल का होना चाहिए, मतलब उसको अप्रूव कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए CIM सर, ऑप्शन नंबर बी RIM सर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर सर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर सर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CIM, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के अप्रूवल का वो क्या रहेगा, पंचिंग और रजिस्ट्री सिस्टम मेंटेन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हु शैल सी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ टिम्बर सपोर्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सेफ वर्किंग ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट आर केप्ट एट कन्वीनियंट प्लेसेस। उनके डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहां पे डिस्ट्रिक्ट वर्ड आया वहां पे आपको सिंपल सा माइंड में दो चीज़ रखना है, सरदार और ओवरमैन। क्वेश्चन क्या है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर जो है वो सेफ्टी मटेरियल, चाहे वो टिम्बर हो या फिर और कोई सपोर्ट मटेरियल हो, सेफ वर्किंग पे कन्वीनियंट प्लेस पे रखा है कि नहीं, ये कौन इंश्योर करेगा। ऑप्शन नंबर ए सरदार, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी असिस्टेंट मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होता है, ओवरमैन को होता है। सेफ्टी जो सपोर्ट मटेरियल है, टिम्बर है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरमैन को होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्वेश्चन नंबर 15 से थोड़ा सा मिलता जुलता है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन ये है कि पूरे माइंस का सफिशिएंट सप्लाई ऑफ प्रॉपर मटेरियल या फिर एप्लीयंसेस कौन इंश्योर करेगा, कि पूरे माइंस में सफिशिएंट सप्लाई हो सारे प्रॉपर मटेरियल का, इधर वो सेफ्टी के लिए हो या फिर माइंस चलाने के लिए जो जरूरी है वो सप्लाई करने का हो। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी ऑफिशियल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन। वेट मैं लेट मी चेंज द कलर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। ठीक है, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और डिस्ट्रिक्ट में बात किया जाए सेफ्टी मटेरियल की, टिम्बर की, तो किसका होता है, ओवरमैन का होता है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे देखे थे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर था डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ अ माइन हैज 2 इंट्रांसेस, अगर एक माइन का 2 इंट्रांस है, निकलने और फिर घुसने का एग्जिट रूट जो होता है, जिसमें एक इंक्लाइन है और दूसरा साफ्ट है, तो उन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना मेंटेन करके रखा जाएगा। मान के चलिए ये इनक्लाइन है और यहाँ पे ये साफ्ट है, ये माइंस का 2 एंट्रेंस है, तो इन दोनों के बीच दूरी कितना होगा मिनिमम, कम से कम उतना होना चाहिए, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 11.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 13.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 17.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हॉलेज रोडवे शैल बी एग्जामिन्ड वंस इन, हॉलेज रोडवे या फिर ट्रैवलिंग रोडवे भी बोल सकते हैं, एक बार कम से कम कितने दिनों में उसका एग्जामिनेशन करना जरूरी यानी कि आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नो गैलरी इन सीम और सेक्शन शैल बी ऑफ हाइट इंक्रीजिंग, किसी भी गैलरी का हाइट कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 4.8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3.8 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर। यही बात अगर गैलरी की विड्थ की होती तो इसका ऑप्शन हो जाता 4.8 मीटर, हाइट 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और विड्थ इसका 4.8 मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्क्रैपर इज यूज टू क्लीन, स्क्रैपर हम लोग किस चीज़ को क्लीन यानी कि साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए माइन रोडवे, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट होल को, यानी कि जो जिस होल को हम लोग ब्लास्ट करने वाले हैं उस होल को, या फिर सारे मशीन्स को साफ करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट होल को। ठीक है, जिस होल को हम लोग ब्लास्ट करने वाले हैं उसको साफ करने के लिए हम लोग स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। माइनिंग मिस्ट्री चैनल में ऐसे ही बने रहिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। डेली आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट एक वीडियो मिलेगा। इस चैनल को अपने दोस्त और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।